नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विभा। कंपनी ने Vivo V5 Plus स्मार्टफोन को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है और ये स्मार्टफोन 23 जनवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमत करीब 27,000 रुपये के आसपास होगी। खास करके ये स्मार्टफोन सेल्फी लवर्स के लिए है क्योंकि इसमें डुअल फ्रंट कैमरा सिस्टम है जो कि पिक्चर परफेक्ट और क्रिस्टल क्लियर सेल्फीज को कैप्चर करता है। तो सबसे पहले हम इसके डिटेल में कैमरा पार्ट के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ आपको मिल जाता है। डुअल फ्रंट कैमरा वाले Vivo V5 Plus में 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी फ्रंट कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी फ्रंट शूटर मिलता है आपको और इसके दोनों ही कैमरा सोनी IMX376 सेंसर से लेस है। इनका कैमरा अपर्चर F2.0 का है और ये 5P लेंस सिस्टम पर चलते हैं। प्राइमरी फ्रंट कैमरा क्लैरिटी को फोकस करता है जबकि इसका सेकेंडरी फ्रंट शूटर कैमरा डेप्थ इन्फो कैप्चर करता है और ये दोनों ही कैमरा एक साथ DSLR अपर्चर की तरह बोके इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके 20 मेगापिक्सल सोनी IMX सेंसर से आपका हर शॉट बहुत ही क्लियर, विविड और नेचुरल कलर्स के साथ कैप्चर होता है और इस तरह का कैमरा वी ब्लॉगर्स व सेल्फी शौकीन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। Vivo का एडवांस टेक्नोलॉजी कैमरा फीचर आपके हर शॉट को रीफोकस करने में मदद करता है और बोके इफेक्ट एक स्टूडियो क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करता है। इसी के साथ ही इसमें सॉफ्ट लाइट सेल्फी फ्लैश है जो एक प्रोफेशनल लाइटिंग इमेज क्रिएट करता है जिसे आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। V5 Plus के फ्रंट कैमरा में वेरियस मोड्स हैं लाइक पाम एंड वॉइस कैप्चर, फेस ब्यूटी, कैमरा फिल्टर, मूनलाइट ग्लो, टाइमर और मिरर सेल्फी और HDR। ऐसे आपको काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं। तो ये सब थे फ्रंट कैमरा फीचर्स। अब बात करते हैं V5 Plus के रियर कैमरा की। तो इसमें हाई क्वालिटी 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेंसर दिया है जो अपडेट सॉफ्टवेयर के साथ आता है और इससे लिया हर मोमेंट बहुत ही जानदार और आपको चौंका देता है। इसी के साथ ही इसके रियर कैमरा में भी फ्लैश व F2.0 अपर्चर दिया है। अब बात करते हैं इसके मोड्स की कि रियर कैमरा में क्या क्या मोड्स आपको मिल जाते हैं। इसके रियर मोड्स में आपको पैनोरमा, HDR, PPT, अल्ट्रा HD फोटो, फास्ट एंड स्लो मोशन, टाइमर, टच कैप्चर व 4K रिकॉर्डिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इसके कैमरा पार्ट की डिटेल्स। वाकई में Vivo V5 Plus के कैमरे में काफ़ी सारे मोड्स हैं। इसी के साथ ही इसका कैमरा बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है जो कि V5 में देखने को नहीं मिलता है। लुक्स एंड डिस्प्ले की बात की जाए तो स्लिक, ब्रिलियंट, रिफाइंड टच डिजाइन वाले Vivo V5 Plus में 5.5 इंच का IPS फुल HD डिस्प्ले दिया है जो 2.5D कर्व्ड एजेस के साथ आता है। इसकी स्क्रीन पर 5th जनरेशन का कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया है जो फोन को गिरने से बचाता है। इसका IPS डिस्प्ले अच्छे विविंग एंगल्स और बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट देता है और इस तरह का डिस्प्ले एक हाई एंड स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो लुक्स एंड डिस्प्ले के मामले में ये एक डिसेंट स्मार्टफोन है। ये तो हुआ डिस्प्ले पार्ट। अब बात करते हैं इसके बॉडी डायमेंशंस की। Vivo V5 Plus स्मार्टफोन की हाइट 152.58 mm की है, इसकी विड्थ 74 mm की है और इसकी थिकनेस 7.26 mm की है और इस डिवाइस का टोटल वेट 158 ग्राम का है। इस डिवाइस के कैपेसिटिव होम बटन में दिया फिंगरप्रिंट सेंसर 0.2 सेकंड की स्पीड से आपके फोन को अनलॉक करता है और ये आपके पसंदीदा ऐप के लिए शॉर्टकट भी है। इसके अलावा इसका स्मार्ट प्लेट फीचर आपको मल्टीटास्किंग में मदद करता है और आप वीडियो के साथ साथ मैसेज का भी रिप्लाई दे सकते हैं और इसमें मौजूद आई प्रोटेक्शन मोड ब्लू लाइट फिल्टर करता है और ये आपकी आंखों की तकलीफ को कम करता है। हालांकि इस तरह के एडवांस फीचर आजकल ज्यादातर फोन में देखने को मिल जाते हैं। Vivo V5 Plus की स्लिम बॉडी 3160 mAh की बैटरी बैकअप से पैक्ड है और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड भी है। इस डिवाइस का डुअल चार्जिंग इंजन टेक्नोलॉजी फास्टर स्पीड प्रोवाइड करता है। इसी के साथ ही ये डुअल सिम डिवाइस 4G LTE नेटवर्क और नैनो सिम सपोर्टेड भी है। इसका हाइब्रिड सिम ट्रे 2 सिम, आइदर 1 सिम और 1 SD कार्ड को ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज है कि यूजर एक साथ डुअल सिम और SD कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारे ओपिनियन से जो भी स्मार्टफोन कंपनी हाइब्रिड सिस्टम प्रोवाइड करती है उन्हें SD कार्ड के लिए अलग से स्लॉट देना चाहिए क्योंकि हाइब्रिड सिम ट्रे के थ्रू यूजर्स एक साथ डुअल सिम और माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और रही बात बैटरी की, तो इस प्राइस रेंज में 3000 mAh का बैटरी बैकअप तो बहुत ही कम है क्योंकि आजकल 10 से 12,000 वाले डिवाइसेस भी 4000 mAh की बैटरी बैकअप तो आराम से प्रोवाइड ही करते हैं। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस और पावर की बात करें
तो स्मार्ट इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसमें 2 GHz क्लॉक्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर सीपीयू के साथ 4 GB की रैम व 64 GB की रोम दी है। इसे 256 GB तक एक्सपांड किया जा सकता है। V5 Plus का ऑपरेटिंग सिस्टम नए अपडेट फन टच 3.0 एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो बेस्ड है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। तो V5 Plus टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में तो Vivo V5 से बेटर ही परफॉर्म करता है। इस डिवाइस में एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट, ई कंपास, गायरोस्कोप व प्रॉक्सिमेट्री जैसे सेंसर का सपोर्ट दिया है। और कनेक्टिविटी ऑप्शंस के मामले में इस डिवाइस में USB OTG, Wi-Fi, Bluetooth, GPS व ग्लोनास फीचर इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, ये थे Vivo V5 Plus के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। हालांकि ये स्मार्टफोन एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, जो कि वी ब्लॉगर्स और सेल्फी लवर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, और इस डिवाइस में काफ़ी सारे एडवांस कैमरा फीचर्स भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन इसकी प्राइस करीब 27,000 रुपये की एक्सपेक्ट की जा रही है, तो सिर्फ बेटर कैमरे के लिए 27,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस प्राइस रेंज में कुछ डिवाइस इसे कम्पीट कर सकते हैं, जैसे OnePlus 3 और V5 Plus से कम प्राइस रेंज वाला Lenovo Vibe S1। इस डिवाइस के काफ़ी सारे फीचर V5 से मिलते जुलते हैं, तो आप इन दोनों को कम्पीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के डेली टेक अपडेट के लिए आप हमें लाइक एंड कमेंट करने के साथ ही, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।